इसका मतलब ये लोग ढोंगी हैं। तो अब कहाँ थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। अरे नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इन लोगों का क्या बने। नीतीश कुमार जी किस हैसियत से बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का शिलान्यास किया और उद्घाटन, अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा ही नहीं। 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया है, जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन है, आज ललन सिंह भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर। हाँ स्वाभाविक है, उनको तो अपने राष्ट्रीय अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तब कहाँ थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। तो नेता पे जब भरोसा नहीं है तो बात क्या करना। ये लोग देख देख कर नीति बनाते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी किस हैसियत से छत्तीसगढ़ में जाकर शिलान्यास उन्होंने किया था विधानसभा का 2020 में। नीतीश कुमार जी किस हैसियत से बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का शिलान्यास किया और उद्घाटन किए, इसका मतलब ये लोग ढोंगी हैं। बिहार और देश देख रहा है, ये लोग सिर्फ अपने लिए नीति बनाते हैं, दूसरे के लिए नीति नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार बदलने लीजिए, नई सरकार आएगी तो वहां कुछ और करेंगे नए संसद भवन में। कौन कह रहा है? ललन सिंह। इनको कौन पूछ रहा है? कान। अरे नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इन लोगों का क्या वैल्यू है। एक आखिरी सवाल है, केसी त्यागी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीट पर अब फाइट होगी आमने सामने। स्वाभाविक है, बुजुर्ग हो गए हैं, अभी अभी जगह दिया है नीतीश बाबू ने, पहले तो धक्का मार के निकाल दिया था, अभी उनको फिर प्रवक्ता बनाया है, बुजुर्ग है, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है।